स्टेशन ख़त्म हुआ, साथ ही साखाबाद रेलवे स्टेशन में भी कचरे का ढेर, जैसे कचरा कुंडी है यहाँ पर बेशुमार कचरे। रेती स्टेशन जहाँ कोई नहीं रुकती, वहाँ हजारा एक्सप्रेस रुकती है। ये पटरियों का ढेर पड़ा हुआ है, लोहे की पटरियाँ यहाँ पर, और आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं मीरपुर मखेलो। ये रहा है, ये स्टेशन है गुटकी, और ट्रेन चल पड़ी हमारी पनवाकिल से आस्ता आस्ता। साखाबाद बाजार घूमने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2। इस वक्त ये मेन और मरकजी बिल्डिंग साखाबाद की खूबसूरत सी हमारे सामने से गुजरी, और जैसे ही स्टेशन ख़त्म हुआ, साथ ही साखाबाद रेलवे स्टेशन में भी कचरे का ढेर, जैसे कचरा कुंडी है यहाँ पर बेशुमार कचरा नज़र आ रहा है। रहीम यार खान की तरह यहाँ पर भी रेलवे स्टेशन के साथ ही बेशुमार कचरा नज़र आ रहा है। ये आ चुका है रेती रेलवे स्टेशन। दोस्तों, रेती रेलवे स्टेशन इस हवाले से मशहूर है कि 7 जून 2021 को यहाँ पर एक हादसा हुआ था, मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस का। मिल्लत एक्सप्रेस यहाँ रेती रेलवे स्टेशन पर डिरेल हुई थी 7 जून 2021 को, और डाउन ट्रैक से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस ने मिल्लत एक्सप्रेस को हिट किया था यहाँ रेती रेलवे स्टेशन पर। जी, रेती स्टेशन जहाँ कोई नहीं रुकती, वहाँ हजारा एक्सप्रेस रुकती है। छोटा सा एक स्टेशन है रेती, और यहाँ पर भी हजारा एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है, और इस वक्त रवाना हो चुकी है रेती रेलवे स्टेशन से हजारा एक्सप्रेस। आप देख सकते हैं बिल्कुल सादा और सिंपल रेलवे स्टेशन है, और इसकी हो सकता है मरकजी बिल्डिंग दूसरी साइड पर हो, मैंने वो अभी नहीं देखी। ये पटरियों का ढेर पड़ा हुआ है, लोहे की पटरियाँ यहाँ पर, और आप देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं मीरपुर मखेलो। ये है मीरपुर मखेलो का मेन रोड। हम इस पर गुजर रहे हैं मीरपुर मखेलो स्टेशन से। यहाँ पर सिर्फ 2 ट्रेनों का स्टॉप है, एक हजारा एक्सप्रेस और दूसरी खैबर मेल,
और दोस्तों आपको बताता चलूं कि मीरपुर मथेलो किलोमीटर नंबर 560 पर वाकया है, कराची से 560 किलोमीटर नंबर दूरी पर वाकया है मीरपुर मथेलो। और मरकजी बिल्डिंग दूसरी तरफ है इसकी भी, ये हैंड पंप लगे हुए हैं दोस्तों, मीरपुर मथेलो। दो घंटे ये स्टेशन जो इस वक्त हमारे सामने से गुज़र रहा है, ये स्टेशन है गोटकी। और इस वक्त हम गोटकी रेलवे स्टेशन से गुज़र रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया घर निकलने में। इस वजह से अराइवल नहीं दिखा सका गोटकी रेलवे स्टेशन का। ये स्टेशन दोस्तों साफ सुथरा है और खूबसूरत लग रहा है गोटकी रेलवे स्टेशन। स्पीड पकड़ चुकी है रारा एक्सप्रेस गोटकी से, और अगला आने वाला जो स्टेशन होगा इसके बाद ये गोटकी रेलवे का बोर्ड। और यहाँ पर भी ये पटरियों के बेशुमार ढेर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे ये पटरियों के लोहे के पटरियों बनी हैं। और दोस्तों आपको बताता चलूं कि गोटकी रेलवे स्टेशन 534 किलोमीटर पर वाकया है, कराची से 534 किलोमीटर दूर पर वाकया है गोटकी रेलवे स्टेशन। और ये दोस्तों आप देख रहे हैं जोहड़, जिसको पंजाबी में छप्पड़ भी कहते हैं। ये आप देखें पानी फुल पानी से भरा हुआ है, ये ऐसे लग रहा है जैसे मछलियों का तालाब हो यहाँ पर, और हो भी सकता है कि कोई मछलियों का तालाब बना हुआ हो। पानी नज़र आ रहा है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि घर भी पानी में डूब रहे हैं।
और ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर अभी तक पानी, बारिश का पानी खड़ा हुआ है और काफ़ी लंबा एरिया जो पानी में डूबा हुआ है। बहुत बड़ा रकबा, बहुत बड़ा इलाका जो पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है और फुल पानी पानी। यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये मछलियों का फार्म बना हुआ है और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये बारिश का पानी है। तो दोस्तों, वहाँ के रहने वाले या जो भी मेरे कोई दोस्त है जो जानता हो कि ये बताए, ज़रूर बताए कमेंट्स में कि ये बारिश का पानी है या मछलियों का फार्म बना हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूर दूर तक नज़र जहाँ तक जा रही है बहुत ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है कि ये मछलियों का फार्म है या बारिश का पानी है। सौ 10 किलोमीटर कन्नुआ केल ट्रेन का विसल बज चुका है और 2 मिनट का ही स्टॉप किया है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पन्नुआ केल छावनी स्टेशन पर और ट्रेन चल पड़ी हमारी पन्नुआ केल से आस्ता आस्ता रवाना हो रही है। ये पन्नुआ केल का बोर्ड पन्नुआ केल छावनी और ये जो पास पड़ी हुई ईंटें हैं ये बता रही हैं कि इस स्टेशन में तरक्याती काम अभी जारी हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं। ये ईंटों का ढेर पड़ा हुआ है और इस वक्त गुजर रही है पन्नुआ केल छावनी से हज़ारा एक्सप्रेस। पन्नुआ केल छावनी और दोस्तों इसके बाद फाइनली मेरा फेवरेट स्टेशन आएगा, जंक्शन आएगा रोड़ी जंक्शन। पन्नुआ केल हम गुजर चुके हैं पन्नुआ केल से और आगे आने वाला स्टेशन रोड़ी जंक्शन। हज़ारा एक्सप्रेस का दोस्तों रोड़ी स्टेशन पर तकरीबन 20 से 25 मिनट का स्टॉप है और मैं कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा रोड़ी स्टेशन के बाहर जाया जाए और वहाँ पर आपको रोड़ी स्टेशन की दुकानें और बाज़ार दिखाई